वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हेयर आई विल डिस्कस अबाउट आईडी कमांड। आईडी कमांड का यूज किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने में किया जाता है। इस कमांड को एक्टिवेट करने के लिए आपको सिंपली यूटिलिटीज ऑप्शन है, यहां पे जाना होगा और सिंपली आईडी पॉइंट है, यहां से भी इस कमांड को एक्टिवेट कर सकते हैं, या फिर आप इसकी शॉर्टकट की आईडी होती है वहाँ से भी एक्टिवेट कर सकते हैं। जैसे कि मुझे इस पॉइंट का मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो सिंपली मैं आईडी लिखूंगा, देन इसके बाद एंटर कर देंगे। फिर इसके बाद जिस भी पॉइंट की आईडी पता करना है या फिर कोऑर्डिनेट्स पता करना है तो सिंपली आप वहां ले जाइए कर्सर को, वहां क्लिक कर दीजिएगा। तो यहां कमांड लाइन में ये बता रहा है एक्स डायरेक्शन में 83.56, वाई डायरेक्शन में 28.11 और जेड डायरेक्शन में 0.0 है, क्योंकि ये हम अभी 2D में वर्क कर रहे हैं। इस तरीके से जो है एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट इसके हमें फाइंड हो गए हैं। अब इसका जो मोस्टली सबसे ज़्यादा यूज होता है सिविल इंजीनियरिंग में, सर्वेइंग में, जब हम टोपोग्राफी से पॉइंट उठा के लाते हैं तो नॉर्थिंग, ईस्टिंग और जो जेनिथ जो होता है, एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट हमें ऑटोकैड में इंपोर्ट करने के बाद उसे शो करना पड़ता है कि भाई एक्स वाई जेड क्या है इसके। तो जैसे सपोज मुझे इसके जो है मिडिल पॉइंट के जो है कोऑर्डिनेट फाइंड करना है सर्कल के, तो सिंपली मैं आईडी लिखूंगा, देन एंटर प्रेस कर दूंगा और मुझे मिडिल के फाइंड करना था, सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेट हमें फाइंड हो गए हैं। तो इसी तरीके के और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।